आइए कथा को जहां विराम दिया था कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु ने इस धरा पे रह के जो लीलाएं दिखाई, इस धरा से जाने के बाद विष्णु लोक जाने के बाद जो लीलाएं दिखाई हैं, उन लीलाओं से आप लोगों को परिचित होना बहुत जरूरी है कि वो लीलाएं कितनी बड़ी हैं, कैसे ब्रह्मांड गुरु बजरंगबली बालाजी महाराज के स्थान पे इस कलयुग में भक्त शिरोमणि का नाम हम लेते हैं, वो कारण बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान ने आगे की लीलाएं, बाबा गंगाराम ने आगे की लीलाओं की दायित्व को भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी के हाथों सुपुर्द किया था। मोनू भैया आ जाइए अपने स्थान पे, के विष्णु लोग जब गए भगवान, 6 वर्ष के पुत्र देवकी नंदन जी को अपनी पूरी कृपा दी, भक्ति भाव में डूब गए भक्ति शिरोमणि, और समय के साथ बड़े हुए, जब बड़े हुए भक्त शिरोमणि का ब्याह हो गया, क्योंकि बाबा जी का ये आदेश था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इस कलयुग में गृहस्थ आश्रम का नियम निभाते हुए भक्ति के मार्ग पर तुम्हें चलना है, ये आदेश था। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, नहीं, दुनिया को बताना है कि जो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति भाव में डूबता है, भगवान उस पे कृपा अधिक करते हैं, उसकी तपस्या और बड़ी होती है। सो भक्त शिरोमणि ने बाबा जी के हर कथन को साबित किया। जब बड़े हुए, उनका ब्याह होया, ब्याह हुआ माता गायत्री देवी से, सफदरगंज से धर्म ध्वजा लिए पहुंचे भक्त शिरोमणि कलकत्ता शहर में, जिस शहर से मैं आता हूं, भक्तों ने अपनी आंखों से देखी है, कलकत्ता शहर में मोदी इंडस्ट्रीज का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमकने लगा था, जिधर देखो मोदी इंडस्ट्रीज, मोदी इंडस्ट्रीज, एक एकदम जैसे कहते हैं एकदम पीक पे था वो कारोबार, बहुत बहुत बढ़िया कारोबार किया, बहुत नाम कमाया कारोबार में, कारोबार में नाम कमाया, धन यश वैभव भरा पूरा परिवार, नातेदार रिश्तेदार सब कोई थे, पर बाबा जी की लीलाओं को सार्थक भी तो करना था, बाबा जी का आदेश था। भक्त शिरोमणि दिन के जिनकी दिनचर्या थी, जिनकी दिनचर्या थी, घर से निकलने से पहले, कारोबार प्रारंभ करने से पहले बाबा जी के श्री चरणों में शीश नवाना है, घर में कदम रखना है बाबा जी के चरणों में शीश नवाना है, बाबा जी की आज्ञा से कार्य को आगे बढ़ाना है। उसी दिनचर्या से भगत जी एक दिन सांसारिक सारे काम मिटाकर बाबा जी के चरणों में धूप लगा, आशीष ले, सब सो गए, विश्राम करने लगे, और जो ही विश्राम कर रहे थे भक्त शिरोमणि, बाबा जी की आज्ञा ली, ओम गंगाराम देवाय नमः, ओम गंगाराम देवाय नमः, प्रभु के श्री चरणों में शीश नवा, आशीर्वाद ले, विश्राम के लिए लेट गए, आंख लगी ही थी कि तभी एक आवाज आई, आवाज और किसी की नहीं, स्वयं कलिमा अवतारी भगवान गंगाराम जी, विष्णु अवतारी पहुंचे, अपने पुत्र के स्वप्न में आकर आदेश दिया, पुत्र देवकी, देवकी उठो, तुमने अपने गृह का आश्रम को बहुत अच्छी तरह से चलाया, जिस क्षेत्र में तुम गए तुमने नाम किया, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे जैसे भगत को पाकर मैं भी धन्य हो गया, पर कुछ कार्य अभी शेष है, इस कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा कार्य अधूरा रह गया है, जिसे मेरे आदेश से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पूर्ण करना है, और इस पूर्ण करने की वीड़ा को तुम्हें उठाना है, इसलिए हे देवकी उठो, और तुम्हारा एक और प्रथम और शेष कार्य एक ही है, तुम
मेरी लीला भूमि जहां मैंने जन्म लिया, राजस्थान की उस पावन भूमि पे झुंझुनू में जाकर एक मंदिर बनवाओ। वो मंदिर पंच देवों का मंदिर होगा। उस मंदिर के प्रांगण में जो भी भक्त आएंगे उन्हीं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उनके मन को शांति मिलेगी। वहां से सभी भगत धर्म ध्वजा हाथ में लेकर सारे जगत का कल्याण करेंगे। देवी की ये वीणा तुम्हें उठाना है, मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दे दी। पुत्र इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करो। इतना कह बाबा जी पुनः विष्णु लोक को गमन कर गए। भक्त शिरोमणि निद्रा में सोए हुए, जैसे ही बाबा जी का गमन हुआ अचानक भक्त शिरोमणि की आंखें खुल गई, चौंक के बैठ गए, चारों ओर देखा, ये क्या था, ये क्या था बाबा जी, ये क्या था, कोई चमत्कार था, क्या आदेश था, क्या था, मैं तो सपने में सो रहा था, बाबा जी आए, क्या सचमुच बाबा जी आए थे, बाबा जी ने जो मुझे आदेश दिया है क्या मैं वो पूर्ण कर पाऊंगा, मैं अकेला इस संसार के जो धर्म से विमुख है क्या उन्हें धर्म के मार्ग पर ला पाऊंगा, क्या वो आएंगे मेरी बात को मानेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई ये कहने लगे कि स्वप्न में देखी बातें सपना कभी सच नहीं होता, ये स्वप्न था इसे भूल जाओ, क्या मुझे संसार की बातों को मानना चाहिए या बाबा जी के आदेश को मानना चाहिए, क्योंकि रात सपने में आया प्रभु जी दर्श्य माने दिखाया प्रभु जी धाम झुंझुनू में मेरो बना दे यो हुकुम है सुनाया प्रभु जी कैसी भारी कृपा आज होई तो श्रद्धा से सर ने झुकाओ थे ही रस्तो दिखाओ प्रभु जी मैं भवन में भटके नाही जाओ थार मंदिर मैं कैया बनाओ थार आज्ञा मैं कैया निभाओ थे ही रस्तो दिखाओ प्रभु तेज माया को अद्भुत निरालो थारी भक्ति लगे भान प्यारी पर जगत को चलन है अनूठो धाम झुंझुनू में कैया बनाओ थे ही रस्तो दिखाओ प्रभु जी मैं भटके नाही जा
कस्या है सारा मारे पिताना कस्या है का भरिया बोल मारे गाँव हिबड़े का कैया दिखाओ थे ही रस्तो दिखाओ प्रभु जी मैं भटके ना ही जाऊं भगत शिरोमणि ये फैसला न कर पा रहे थे कि मैं किसकी बात मानूं भगत क्या सपने में स्वयं भगवान आए थे उन्होंने आदेश दिया उनकी आदेश को मानूं या लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके कारोबार की उन्नति का राज क्या है जब मैं बताता हूं कि मेरे पिता स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी हैं बाबा गंगाराम हैं तो लोग मुझ पे हंसते हैं कोई मनुष्य भगवान का अंश कैसे हो सकता है वैसे तो सभी भगवान के बच्चे हैं पर वो भगवान विष्णु के अवतारी कैसे हो सकते हैं अरे दूसरों की छोड़ो दुनिया दुनिया वालों की छोड़ो मेरे अपने नातेदार रिश्तेदार मेरी बात नहीं मानते अब मैं जाके कहूं अपने स्वप्न की बात तो क्या सचमुच कोई मेरी बात मानेगा वो उलझे हुए थे उलझनों में तभी उनकी जीवन संगिनी माँ गायत्री ने देखा कि भगत जी उलझन में उलझे हैं उनकी उलझनों को सुलझाने स्वयं देवी स्वरूपा परम साधिका माँ गायत्री उनके उलझनों को सुलझाने उनकी मन की बाधा को मिटाने के आगे आई और कहा भगत जी क्या हो गया क्यों विचलित हैं भगत जी ने कहा कि देवी सपने में बाबा जी ने मुझे आदेश दिया है धर्म का मंदिर बनाना है जहां उन्होंने लीला भूमि रची क्या मैं इस सपने की बात को सच मानूं दुनिया दुनिया वाले इस पर विश्वास करेंगे देव की नंदन सोच रहा कर रहा बात विचार क्या मानेंगे क्या विश्वास करेंगे मेरी बातों पे जो अब तक मेरी हंसी उड़ाते हैं अरे आप तो सब जानती हो नाते रिश्तेदारी बीच में विश्वास नहीं करते क्या दुनिया और दुनिया वाले विश्वास करेंगे तभी माँ देवी गायत्री ने परम साधिका माँ ने कहा देवी गायत्री समझायो भगवत गीता सार भगत ने भगवत गीता सार के भगत जी आप तो सब कुछ जानते हो आपने रामायण भी पढ़ी है आपने गीता भी पढ़ी है भूल गए भगवान ने क्या कहा था कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्वादे संगोस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगत क्या धनांजय सिद्धा सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्चते हे भगत जी मागवाय परम साधिका माँ गायत्री ने समझाया बोली थे क्यों सोच करो बस थे करो कर्म करो बाबा गंगा राम को थे मन में ध्यान धरो भगत जी मन में ध्यान धरो
और भगत जी आप दुनिया और दुनिया वालों की फिक्र करते हो। अरे आप जैसे भगत कैसे अपने मार्ग से चूक सकते हैं? दुनिया चूके पर आप नहीं चूक सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस कलयुग में धर्म कर्म की राह में मूर्ख टोक लगा, अज्ञानी ना समझी मैं जीवन व्यर्थ गवा। भगत जी जीवन व्यर्थ गवा। इसलिए भगत जी आप दुनिया और दुनिया वालों को भूल जाओ, याद रखो जिसे आज तक आपने याद रखा है वो स्वयं भगवान बाबा गंगाराम जी हैं। बस उन्हें याद रखो, उनके पद चिन्हों को अपने हृदय में बसा जो रखा है, मन मंदिर में झांको। और थे दुनिया ने भूल कर करो धर्म को काम, क्योंकि करने वाला स्वयं प्रभु बाबा गंगाराम। भगत जी बाबा गंगाराम। माँ गायत्री के समझाने के पश्चात भगत जी को विश्वास आया कि कोई हो ना हो जगत में साथ, मेरे साथ तो दो दो हैं, कोई एक को ढूंढता मेरे पास दो हैं, स्वयं बाबा गंगाराम जी और दूसरी मेरी जीवन संगिनी परम साधिका। अगर ये दो मेरे साथ हैं तो मैं दुनिया की ओर क्यों देखूं? मैं अब नहीं रुकने वाला, बाबा जी के आदेश को मैं पूरा करूंगा और मंदिर बनवाने को किलिया उठा। सगा संबंधी टेढ़ा हो गया मुंडोलियो घुमा, भगत से मुंडोलियो घुमा, भगत से मुंडोलिया घुमा, भगत से भगत जी ने कहा कि अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं तो बाबा जी का मंदिर बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा। इतना सुनना था, दुनिया और दुनिया वालों की बात तो छोड़ो, अपने स्वयं के नातेदार रिश्तेदार चले आए कि सुनिए अब तक आपने अपने पिताजी को भगवान माना, आपके पिताजी आप मानो, मैं नहीं मानता। और सुनिए मंदिर बनवाना हो आप अकेले जाइए, हमारा साथ आपको मिलने वाला नहीं है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। भगत जी ने कहा सुनिए मैं आपका इंतजार करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे कहने वाला हूँ। स्वयं आते हो धर्म के कार्य में तो अच्छी बात, नहीं आते हो तो ज्यादा अच्छी बात। मेरे पास तो बस एक ही काम है, क्या के बाबा जी ने हुक्म सुना दिया है, हाँ सुना दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। बाबा जी ने हुक्म सुना दिया है, हाँ सुना दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मैं मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मैं मंदिर बनवाऊंगा। बाबा जी ने हुक्म सुना दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। सुनना तो नहीं चाहोगे, फिर भी मैं बता देता हूं। था घनघोर अंधेरा मुझको कुछ ना दिया दिखाई, था घनघोर अंधेरा मुझको कुछ ना दिया दिखाई, दिव्यालोक की तेज रोशनी तभी पड़ी दिखाई,
दिव्य अलग तेज रोशनी तभी पड़ी दिखाई। बाबा जी ने सपने में दर्श दिया है, आज ही दर्श दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। बाबा जी ने हुक्म सुना दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। अच्छा आप मंदिर बनवाओगे, आपको सपने में दर्श दिया बाबा जी ने, तो आपको बाबा जी ने मंदिर भी दिखा दिया होगा। जरा बताइए तो आपके मंदिर में क्या दिखाई दिया, जरा सबको बता तो दो। भगत जी ने कहा, मैंने देखा बाबा के संग शिव परिवार विराजे, मैंने देखा बाबा के संग शिव परिवार विराजे, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के संग हनुमंत जी भी साजे, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के संग हनुमंत जी भी साजे। मन को बनवाने का संकल्प लिया है, हाँ संकल्प लिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। मन को बनवाने का संकल्प लिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। सबको चिंता थी कहीं भगत जी अपनी राज हवेली को तुड़वा के मंदिर तो नहीं बनवाने वाले। सबने पूछा जब मंदिर बनवाना है बनवाओ, पर ये तो बताओ कहां बनवाओगे, फाइनल कर लो भाई। भगत जी ने कहा, बाबा जी ने कहा कि मंदिर झुंझुनू में बनवा दो, बाबा जी ने कहा कि मंदिर झुंझुनू में बनवा दो, भक्ति देव की आगे बढ़कर धर्म ध्वजा लहरा दो, भक्ति देव बढ़कर धर्म ध्वजा लहरा दो। रवि कहे भगत को मान दिया है, आजी मान दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। रवि कहे भगत को मान दिया है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर कि बाबा गंगाराम जी ने स्वप्न भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी को झुंझुनू में मंदिर बनवाने का निर्माण करवाने का आदेश दिया। भक्त शिरोमणि इसलिए विचलित नहीं थे कि पैसे खर्च हो जाएंगे या पैसे कितने लगेंगे या फिर पैसे बहुत लगेंगे, क्योंकि बाबा जी की कृपा से धन की कोई कमी नहीं थी। उन्हें चिंता बस ये थी कि जो धर्म विमुख हैं, क्या वो इस बात पे यकीन करेंगे या नहीं। तो पहला साथ दिया बाबा जी ने, दूसरे में आ गई मां गायत्री और साथ मिल गया अपने सारे संतानों का। उन्होंने कह दिया कि पिताजी बाबा जी का अगर आदेश है तो कोई हो ना हो हम आपके साथ हैं, बाबा जी आपके साथ हैं, बस बाबा जी का नाम लेकर आगे चलिए। और देखते ही देखते संबत 2032 की जेठ सुदी की दसवीं को गंगा दशहरा के पावन दिन सभी खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। बस 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आज वो दृश्य दर्शाया जा रहा है, क्यों ना आशीर्वाद दिवस को आज गंगा दशहरा के दशमी के दिन मान लिया जाए और सभी एक बार अपने अपने हाथ में धर्म ध्वज, भैया इसको कम मत करना प्लीज, भैया इसको कम मत करना, सभी अपने अपने हाथों में धर्म ध्वजा लेकर भगत शिरोमणि
माँ गायत्री के साथ चलिए एक बार मंदिर के निर्माण की खुशी मना लेते हैं। जरा झूम के मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर झुंझुन के मां हम मंदिर बन गयो जी मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर झुंझुन के मां हम मंदिर बन गयो जी पंचदेव मंदिर कहलायो पंचदेव मंदिर कहलायो रंग भूमि के मां हम मंदिर बन गयो जी मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर झुंझुन के मां हो मंदिर बन जरा तालियां तो आपकी भी बजनी चाहिए वन ये टू थ्री ये फोर वैसा मंदिर बना कैसा बाबा गंगाराम के सागे शिव परिवार विराजे बाबा गंगाराम के सागे शिव परिवार विराजे माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के संग माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के संग हनुमत दिया बिठा ओ मंदिर बन गयो जी मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर झुंझुन के मां मंदिर बन गयो जी जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की पूरी धाम से आया जी जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी पूरी धाम से आया जी ज्ञानी ध्यानी संत पधारा ज्ञानी ध्यानी संत पधारा तीनों मान बढ़ा ओ मंदिर बन गयो जी अरे अरे मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर झुंझुन के मां ओ मंदिर बन गयो जी कितनो उत्तम काम हुयो देव नंदन जी के हाथा कितनो उत्तम काम हुयो बाबा जी के हुक्मा शो है बाबा जी के हुक्मा शो मंदिर दियो चिड़ा मंदिर बन गयो जी अरे अरे मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर झुंझुन के मां मंदिर बन गयो जी उत्सव खूब मनाया जी नर नारी सब झूम झूम कर
ऐसो दिन है आज ओ मंदिर बन गयो जी अरे अरे मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर छूट दी मां ओ मंदिर बन गयो जी पंच देव मंदिर कहलायो देव मंदिर कहलायो ओ मंदिर बन गयो जी ओ मंदिर बन गयो जी श्री गंगाराम को नगर छूट दी मां ओ मंदिर बन गयो जी ओ क्योंकि मंदिर बनवाने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि कोई साधारण मंदिर ईंट और गारे से खड़ी कर दी जाए, कोई चार दीवारी कोई इमारत खड़ी कर दी जाए, वरना यह तो एक लीला मंदिर है, एक लीला धाम है, एक नई शक्ति एक नए अवतार का मंदिर है, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी जिनकी जोत भगत शिरोमणि के हृदय में जल रही है, उसे सारे जगत को प्रकाशित करना है। मुझे उनके मन में यही प्रश्न था, इस दिव्य तेज को क्या मैं समझ संभाल पाऊंगा, मैं सांसारिक प्राणी व्यापार परिवार समाज के साथ साथ कैसे अपना वचन निभाऊंगा। परंतु सब जानते हैं कि जब भगवान आदेश देते हैं, बाबा जी आदेश दे और भक्त शिरोमणि जैसे भक्त उस आदेश की अनुपालना को निकले तो फिर चाहे लाखों तूफान क्यों ना आए उन्हें कौन रोक सकता था। भक्त शिरोमणि ने भव्य मंदिर बनवाया जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए स्वयं पूरी धाम से जगतगुरु शंकराचार्य जी आए। पूरी धाम से आदि श्री शंकराचार्य जी आए जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और मंदिर में पंचदेवों के साथ मां दुर्गा मां लक्ष्मी हनुमत जी शिव परिवार के साथ बाबा गंगाराम को वहां सुशोभित कराया अपने हाथों से। अब इस कलयुग की एक माया और देखिए जिसके लिए मैंने रोका था कि कलयुग के हर रूप को जरा देख लीजिए ध्यान से। पहले नातेदारों रिश्तेदारों ने बाधा उठाई, पहले उन्हें चिंता थी कि हमारे हिस्से का धन भी ये मंदिर में न लगा दें, वो कोई और नहीं थे अपने ही थे सर। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि इतना भव्य मंदिर बन गया, इतना भव्य मंदिर बन गया, खर्चे का हिसाब तो इन्होंने किसी को दिया नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं, सारा धन कमाया अकेले भक्त शिरोमणि ने, परिवार को इकट्ठा रखा साथ में समेट के रखा, पांचों उंगलियों को जैसे एक हथेली में रखा जाता है भक्त शिरोमणि ने पूरे परिवार को अपने साथ रखा था। उसी परिवार के सदस्यों को अब चिंता सताने लगी कि खर्चे का हिसाब कहीं हमारे मत्थे भी न मढ़ दिया जाए, अपना जिनका कुछ नहीं वो हक जताते हैं। भगत शिरोमणि मां गायत्री उनकी खुशी का ठिकाना नहीं कि बाबा जी के आदेश का पालन हुआ है, वो खुशियों के झूले में झूल रहे हैं कि भगवान के आदेश का पालन हमने कर दिया, भगवान ने जैसा चाहा था वैसा बन गया मंदिर। पर घर वालों की चिंता कुछ और है,
सारे नगरवासी और परिवार के सारे सदस्य आए, सारे आए और आके आकर अपना हक जताकर, अपना अधिकार जताकर वो ताने मारने लगे, उन्हें भली भला बुरा सुनाने लगे, खरी खोटी सुनाने लगे। दुनिया के इस रीत को देखो भक्तों, इस कलयुग के चलन को तो जरा देखो, क्योंकि इस कलयुग में पग पग पे भक्तों को, धर्म के राह पे चलने वालों को परीक्षा देनी पड़ती है, उनके राहों में कांटे बोए जाते हैं, पर जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं कभी धर्म से विमुख नहीं होते, नहीं अडिग नहीं होते। अपनों ने तानों की बौछार कर दी कि जो तुमने किया सो किया, हमारे हिस्से का हमें अभी के अभी दे दो, कमाया कुछ नहीं पर हिसाब मांगने सभी चले आए। और कभी कहता है कि कितनी कठिन परीक्षा होवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी, कितनी कठिन परीक्षा होवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी। झुंझुनू में मंदिर बनता ही सगड़ा पड़ गया लारे, अपना और बेगाना मिलकर घना बोलना मारे, सगड़ा आकी शक्ति तोवे जी, भक्ति की राहों में सगड़ा कांटा बोवे जी, कितनी कठिन परीक्षा होवे जी। ये सभी जानते हैं कि इस दुनिया ने भक्त प्रहलाद मीराबाई, भक्त नरसिंह मेहता को उनके परिवार ने ही कितना सताया, परंतु वे उनके विश्वास को डिगा नहीं पाए। देवकी नंदन जी ने भी अपने वचन को निभाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या बलिदान नहीं दिया। देवकी जी ने नीचो दिखावा सगड़ा मन में ठाणी, कुटिल जना की एक न चाली मुकी पड़ी थी कानी, आके मुख पर तेज तो सोवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी। कुटुंब कबीले धन वैभव पर अपनी आंख गड़ाई, भक्ति भाव पे उठा दी उंगली नीचो दिखावन ताई, सगड़ा भर में मोता होवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी, कितनी कठिन परीक्षा होवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी, भक्ति की राह में सगड़ा कांटा बोवे जी। चलन जगत को देख कर मनो भयो अधीर, मनो भयो अधीर।
बंधन है कि धर्म विरोधी हो गयो सारो कुटुंब समाज। भक्त शिरोमणि ने परम साधिका से कहा कि देवी बाबा जी की कृपा से मैंने मेहनत करी, बाबा जी की कृपा से धन वैभव यश जो भी पाया बाबा जी की कृपा से मैंने मेहनत करी, बाबा जी ने मुझे फल दी, मैंने इन्हें मेहनत करने से रोका नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे पराये हैं, मेरे पास जो है इनका भी है, मैं मानता हूं ये मानना, पर मैं जानता था कि मेरी संपत्ति ये मेरा पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार, पर इनकी नजर में परिवार नहीं माया है, ये माया के पीछे भाग रहे हैं, इन्हें लगता है कि मुझे माया चाहिए। अरे मेरी मोह माया तो ये पूरा परिवार था, पर अगर ये ही अलग हो गए, ये धन के पीछे जा रहे हैं, तो इसे धन दे दो, हमें धन नहीं चाहिए, हमारे पास परम धन है, हमारे पास बाबा जी है, और जिनके पास स्वयं भगवान होते हैं उनसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है, हमें धन की क्या कमी। भगत शिरोमणि परम साधिका ने अपने पूरे कुटुंब परिवार को बुलाया कि आओ आओ, तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, मुंह खोलो बताओ, जिसकी जितनी चाहत है आज मुझे बता दो। अरे चलो छोड़ो, तुम क्या बताओगे, मैं बताता हूं, मेरे हिस्से में अपने पूरे परिवार से कहा भगत शिरोमणि ने परम साधिका महादेव की ने कि हमारे हिस्से में एक तुलसी दल दे दो, हमारे हिस्से में बस एक तुलसी दल दे दो, एक तुलसी का पत्ता दे दो, और ये जो सारा धन वैभव दिख रहा है ये सब तुम्हारा। कलयुग में दिखावे की माया की ओर सारी दुनिया भाग रही है, ये कलयुग का और एक चेहरा है भक्तों, कि दुनिया दिखावे के माया की ओर भाग रही है, जबकि असली माया तो दरबार में बैठा है, उसके चरण को पकड़ लो, इस संसार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर मूर्खों को कौन समझाए कि झूठी माया के पीछे भाग रहे हैं, वो खुश हैं कि दो इसे तुलसी दल और अभी इसे विदा करो और इसके सारे धन को हमारे पास आने दो। इतने से उनका दिल न भरा, इतने से उनका दिल न भरा, परम साधिका के तन पे जो गहने थे उसमें भी नजर पड़ गई। आगे बढ़कर कहा कि आप अगर धन को त्याग ही रहे हो, माया को त्याग रहे हो, तो इतने गहने किस दिन के लिए, ये गहने भी उतार के दे दो। परम साधिका ने हंसते हंसते कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं लेकर जाने वाली हूं, मैं कुछ लेकर नहीं आई थी जो लेकर जाऊंगी, ये यहां मिला था यही त्याग दूंगी, कल के चाहिए तुम्हें आज देती हूं लो। और परम साधिका ने एक मंगल सूत्र सुहाग की निशानी, मंगल सूत्र को छोड़कर बाकी सब कुछ उतार कर दे दिया। पर मूर्खों को तब भी समझ में नहीं आया कि अरे ये माया झूठी है। इतने में संतोष न हुआ, मूर्खों ने ये भी पूछ दिया कि सब संपत्ति तो आपने हमारे नाम कर दी, अब रहोगे कहां, ये भी आज ही फाइनल कर लो। जिस मकान के पीछे पड़े वो मकान भी भगत शिरोमणि ने अपनी मेहनत का बनाया। भगत जी ने कहता कहा कि मुझे मोह माया सब त्याग देना है, अब तो मेरे दिल से आवाज आती है कि मन करता है कि झुंझन में बस जाऊं मैं, बस बाबा जी की सेवा में लग जाऊं मैं, नित उठ कर गंगाराम के दर्शन पाऊं मैं, नित उठ कर गंगाराम के दर्शन पाऊं मैं, हो बस जाऊं मैं।
बस जाऊं मैं, मन करता है कि झूझन में बस जाऊं मैं बाबा जी की सेवा में रब खाऊं मैं, मन करता है कि झूझन में बस जाऊं मैं, श्री बाबा जी की सेवा में रब जाऊं मैं, नित उठ कर गंगा दर्शन पाऊं मैं, नित उठ कर गंगा राम के दर्शन पाऊं मैं, बस जाऊं मैं, बस जाऊं मैं, मन करता है कि झूझन में बस जाऊं मैं, श्री बाबा जी की सेवा में लग जाऊं मैं। और भगत शिरोमणि ने तुलसी दल हाथ में लिया, अपने हिस्से में सारी संपत्ति दान कर दी और सपत्नीक बाबा जी की लीला भूमि पहुंच गए। आगे बड़े ही थे कि उनके संतानों ने उन्हें रोक लिया, कहा हमें किसके भरोसे छोड़कर चले, हमारी पूंजी लेकर कहां जा रहे हो। भगत शिरोमणि ने कहा कि अब तुम्हें कौन सी पूंजी चाहिए। सारे संतान ने कहा हमारी पूंजी तो आप दोनों हो, हमने जन्म लेकर जो कमाया वो आप दोनों हो, आप लोग हमें छोड़कर नहीं जा सकते, जहां आप जाओगे हम वहीं जाएंगे। भगत शिरोमणि की जितनी संतानें थी, आदेश नहीं है गिनती बताने का, जो गए हैं उन्हें पता है, फिर भी मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनोगे तो पता चल जाएगा कि जितनी संतानें थी उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा में योग्यता प्राप्त कर रखी थी, सभी कलाओं में संपूर्ण थे, विवाह तक तय हो गया था, कुछ दिनों बाद विवाह होने वाला था, पर माया ऐसी रची, लीला ऐसी रची विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम ने कि उन्होंने भी भरी जवानी में मोह माया को त्याग अपनी माता पिता के साथ बाबा जी की सेवा को चुना, पहुंच गए लीला भूमि झुंझुनू, चार दीवारी मंदिर की, उस मंदिर से कभी कदम बाहर न निकले, सप्तऋषि बस गए, समझ लो आप। आगे मैं कुछ कहने वाला नहीं कि उस लीला भूमि में सप्तऋषि बसने लगे, चार दीवारी के अंदर जो भी साग सब्जी उगाई उसे खाकर जीवन यापन चलने लगा और खुशी खुशी धीरे धीरे उस लीला भूमि में भक्तों का तांता बढ़ने लगा। जो भी भगत आता इस कलयुग में भैया, जहां चमत्कार है वहीं नमस्कार है, जो भी भगत उस प्रांगण में कदम रखता एक अलग सी शांति सुकून मिलता, जो जाता वहां से उठ के आने का मन नहीं करता, उसका मन करता और कुछ पल यही रह जाऊं, अपना जीवन सफल बना लूं। दिन बीत रहा था सप्तऋषियों का, भगत शिरोमणि की दिनचर्या बस वही बाबा जी की सेवा पूजा करना, परम साधिका माँ गायत्री का साथ दिन बीत रहे थे। एक दिन भगत शिरोमणि बाबा जी की आरती पूजा अर्चना करके बाबा जी के श्री चरणों में बैठे थे और बैठे बैठे भक्त शिरोमणि सोच रहे थे कि प्रभु ने अपनी लीला भूमि में हमें बुला तो लिया, अब क्या प्रभु का यही आदेश है, यही रहना है, आगे प्रभु का कोई आदेश नहीं आ रहा है, क्या करूं, क्या यही प्रभु का आदेश मानकर बस यही जीवन यापन करूं। कि तभी उधर से एक तारा बजाता, एक साधु गुजरता है और साधु के मुख पे कुछ ऐसे शब्द थे जिन शब्दों ने भगत शिरोमणि को राह दिखाई। साधु कह रहा था कि दुनिया में सुख चैन पाया नहीं कोई रे, दुनिया में सुख चैन पाया नहीं कोई रे, पाया नहीं कोई रे, पाया नहीं कोई रे।
सारी लागे माया जाल है, दुनिया या सारी लागे माया जाल है, और माया के भावर से बच पाया नहीं कोई रे, माया के भावर से बच पाया छोड़ो, भगवान के परम धाम जाना पड़ता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन जरूरी है, पर मेरा मिलन कैसे हो, मार्ग मिल गया, बैठे बैठे बाबा जी को पुकारने लगे, बाबा बाबा हे मेरे बाबा, तुमने धर्म का प्रचार जितना करना था कर लिया, तुम्हें जितनी जिम्मेदारी मैंने दी थी तुमने बखूबी निभाई, हे पुत्र चलो चलो, चलो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है, चलो मेरे साथ, और आगे आगे बाबा जी और पीछे पीछे पुत्र उनके चल पड़ा, भगवान आगे भगत पीछे, भगवान के पद चिन्हों पे चलते हुए आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। जिसने भक्त शिरोमणि के आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, उस वो दिन था बैसाख बदी चतुर्थी संवत 2049। पुत्र भगत जी ने बाबा जी ने अपने पास बुला लिया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ज्योत से ज्योत मिल गई, बच गया नश्वर शरीर, सिर्फ शरीर बच गया। कलयुग के प्रभाव को जरा फिर से देखो, इस कलयुग में क्या क्या होता है जरा याद कर लो भक्तों। मैंने जो जो बातें आप लोगों को बताने के लिए रोकी थी वो बातें जरा याद कर लेना। इस कलयुग में झूठी माया के पीछे लोग भागेंगे, जिन्हें आप अपना समझ के अपना व्यर्थ समय व्यर्थ गंवाते हो, असल में वो कोई आपका अपना नहीं है, स्वार्थ की जीव स्वार्थ की दुनिया है,
सभी अपने अपने स्वार्थ के साथ आपके साथ हैं। जिसे आप अपना बहुत अच्छा मित्र समझते हो वो असल में आपका मित्र नहीं है, वो किसी ना किसी स्वार्थ के साथ आपके साथ चिपका हुआ है। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति हुई उस दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा। और जिसने स्वार्थ को त्याग, मोह माया को त्याग, भगवान के चरण में अपना ठिकाना बनाया, वही इस संसार में नश्वर शरीर के जाने के पश्चात भी याद किया जाएगा। जैसे हमारे भक्त शिरोमणि, यह दुनिया इस कलयुग में आपसे हर पल पे पग पग पे परीक्षा मांगेगी और आपको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा से कभी घबराना नहीं भक्तों, सच्चे भगत होते हैं वो कभी आंधी तूफान कभी किसी चीज से डरते नहीं। भगत शिरोमणि के साथ भी ऐसा हुआ, महाप्रयाण हो गया, महाप्रयाण हो गया, नातेदारों रिश्तेदारों को अब भी चैन नहीं है, अब भी वो विश्वास करने को तैयार नहीं भगत शिरोमणि की भक्ति को, अभी भी उन्हें टटोलना है, अभी भी परीक्षा लेनी शेष है। तानों की बौछार कर दी और आखिरी परीक्षा लेने के लिए यह कह दिया, काहे का भक्त शिरोमणि, दिखावे की जिंदगी थी, अच्छा हुआ चला गया। अगर भक्ति इसकी शक्ति है, सच्ची है इसकी भक्ति, तो आज प्रमाण दिखा के बताए, आज दिखाए प्रमाण कि सचमुच इसकी भक्ति सच्ची है, तब हम मानेंगे। इतना सुनना था परम साधिका मां गायत्री ने कहा, अच्छा परीक्षा लेना चाहते हो, जानना चाहते हो भक्त शिरोमणि की भक्ति कैसी थी, तो चलो आज तुम्हें ये प्रमाण भी दे देते, क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं होती और सभी के समक्ष, सारी दुनिया के समक्ष जो विरोध करते थे उनको साक्षी रखकर मां गायत्री ने, परम साधिका मां गायत्री ने सूर्य देव से अरदास करी कि अगर मेरे पति ने सच्ची श्रद्धा से बाबा गंगाराम जी की सेवा पूजा की है, उनकी भक्ति में अगर शक्ति है, तो हे सूर्यदेव, इन झूठों के साथ साथ आप भी आज साक्षी बनोगे और ये चमत्कार आज सारी दुनिया देखेगी। और देखते ही देखते ही कैसे कैसे चमत्कार हुए, आज आप लोगों के समक्ष वो चमत्कार नवाबगंज में भी आएंगे। जो चले गए उनके लिए तो मैं क्या कहूं, शायद अभी भी वो कलयुग के माया जाल में फंसे हुए हैं, अभी भी वो कलयुग के माया जाल में फंसे हैं कि रात के 1 बजे क्यों नींद आए, नींद आनी थी तो 9 बजे ही आ जाती, सेहत भी अच्छा होता, 8 बजे भोजन तो कर ही लिया था, 9 बजे सो जाते, सेहत अच्छा रहता। अब अगर 1 बजे तक जाग गए थे तो 1:10 तक जाग जाते, क्या फर्क पड़ जाता 10 मिनट में, वो भी देख लेते। और भक्त शिरोमणि के महाप्रयाण के बाद भक्त बाबा गंगाराम ने धर्म ध्वजा दी थी भक्त शिरोमणि को, और भक्त शिरोमणि ने धर्म ध्वजा जिसे दी थी उसे कहते हैं परम साधिका माँ गायत्री। उसकी ममता के बारे में बिना जाने चले गए, माँ की ममता को जो जानना नहीं चाहता उसे क्या भक्त कहा जा सकता है। माँ गायत्री ने, माँ गायत्री ने सूर्यदेव को साक्षी रखकर बाबा गंगाराम से अरदास करते हुए कहा, तेरे
भक्ति में शक्ति कितनी दिखा दो प्रभु, भक्ति में शक्ति कितनी दिखा दो प्रभु, कुछ तो दिखा दो चमत्कार प्रभु जी, कुछ तो दिखा दो चमत्कार, जग के भरम को मिटा दो प्रभु, जग के भरम कुछ तो दिखा दो चमत्कार प्रभु जी, कुछ तो दिखा दो तो दुनिया जयकार करे।
दिखा दो प्रभु, अब तो ये दिखा दो प्रभु, कुछ तो दिखा दो चमत्कार प्रभु जी, कुछ तो दिखा दो चमत्कार, भक्ति में शक्ति तो दिखा दो चमत्कार प्रभु जी, कुछ तो दिखा दो चमत्कार, कुछ तो दिखा दो चमत्कार, कुछ तो दिखा दो चमत्कार, कुछ तो सुनकर करुण पुकार, दसो दिशावा माही गूंजी सत की जय जयकार, मां गायत्री की विनती को साचो हो रहे खोल, सूर्य प्रभु को रथ भी थम गयो, धरती भी गई दो, चिता पे चमत्कार देखा, जब चिता पे चमत्कार देखा, सब ही जयकार करने लगे थे, जब चिता पे चमत्कार देखा, सब ही जयकार करने लगे थे, भक्त कोई नहीं के जैसा, भक्त कोई नहीं के जैसा, जो हाथ पीठ के पीछे थी वो हाथ अचानक निकली और जमा सारे भक्तों को आशीर्वाद देने लगा, हाथ दाहिना चिता से उठाया, सबको आशीष दे धन्य बनाया, हाथ दाहिना चिता से उठाया, सबको आशीष दे धन्य बनाया, इस सबने अदृश्य सबने, इस सबने अनोखा ये देखा, सब ही जयकार करने लगे थे, इस सबने अनोखा ये देखा, सब ही जयकार करने लगे थे, सबको लखाया, उनके चेहरे में बदलाव आया, रूप बालक का सबको लखाया, सुना है नहीं ऐसा देखा, सुना है नहीं ऐसा देखा, सब ही जयकार करने लगे थे, सुना है नहीं ऐसा देखा, Oh,
से जिनका नाम था गंगा और राम गंगा राम, उन्होंने हरि सभा को यह चमत्कार दिखाया कि उनके सिर से वही गंगी धारा तब चकित हो गया जग ये सारा। कष्ट मिटाने के एक स्वस्थ शरीर, वो शरीर उसका चेहरा एक बाल रूप में परिवर्तित हो गया देखते देखते। और तीसरा चमत्कार, बाबा गंगाराम की कृपा से उनके शीश से गंग की धारा फूट पड़ी और वो धार उस लीला भूमि में समाहित हो गई। आज भी भगत जाते हैं जहां भगवान बाबा गंगाराम के चरण पड़े हैं, भक्त शिरोमणि के चरण पड़े हैं, परम साधिका मां के चरण पड़े हैं, उसकी विभूति को उठाते हैं, हृदय से प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, भक्तों का कल्याण होता है। ओ भाई, ओ भाई, ओ ग्रीन सूट वाली भाई, ओ ताई, मेरी बुआ जी ना बुला दो एक बार भाई, अरे पांच मिनट और रुक जा, पांच मिनट बस, पांच मिनट और रुक जा, चल जाए मरो को नहीं। और बाबा जी ने धर्म ध्वजा भक्त शिरोमणि को दे दी, भक्त शिरोमणि ने धर्म ध्वजा पहराई। भक्त शिरोमणि जब लीलाएं संपन्न कर, सेवा संपन्न कर विष्णु लोक गए, महाप्रयाण हुआ, तो उन्होंने धर्म ध्वजा जगत जननी जगदम्बा माँ गायत्री के हाथों में दे दी। और माँ गायत्री के हाथों में जब धर्म ध्वजा आई, कितने चमत्कार गिनाऊं, कैसे कैसे चमत्कार गिनाऊं, दो चमत्कार आप लोगों के समक्ष रखता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो आके बता देना, और वो घटना आपके कानों तक पहुंची हो, अपने आंखों से देखा हो, तो सारी दुनिया को बता देना। मां गायत्री ने धर्म ध्वजा लिया अपने हाथों में और आगे बढ़कर सबको अपना बना लिया।
बेटे और बेटी उसके अपने हो गए, सारी दुनिया उसकी संतान हो गई, और उस जगत जननी ने और जगत जननी ने आगे बढ़कर सबको आशीष देते हुए कहा कि हे भक्तों, हे बाबा जी के भक्तों, धर्म की राह पे चलने वाले संतों, धर्म कार हित धरा पे आए मैं वो धर्म निभाऊंगी, धर्म कार हित धरा पे आए मैं वो धर्म निभाऊंगी, बाबा जी के हर भक्तों को धर्म की राह दिखाऊंगी, के बाबा जी के हर भक्तों को धर्म की राह दिखाऊंगी। Yeah.
बाबा जी के हर भक्त को धाम की राह बताऊंगी। माँ की दिनचर्या बन गई, मंदिर के आगे माँ एक जगह बैठी रहती। आपने ये दृश्य देखा होगा, जो जो गए धाम पे, जो जो माँ से मिले हैं, मंदिर के आगे बैठे रहते। हम जाते तो माँ कहती जाओ दर्शन करके आओ, यही कहती थी ना, जाओ बाबा जी से आशीर्वाद ले लो, आओ। ऐसा ही होता था हमारे साथ भी, ऐसा ही होता था भाई, गए आ गए, जाओ दर्शन करके आशीर्वाद लो, आओ। मैं यही बैठी रहती थी, हर वक्त पहरे पे बैठी हुई, अपनी आंखों से अपने सब बच्चों को एक नजर से देखती थी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। अगर गले लगाना है तो सबको गले लगाना है, प्यार करना है सबको पुचकार करना है, गलती पे अगर डांटना तो इतना खूबसूरत डांटती थी, इतना सुंदर डांटती थी कि जिसको डांट पड़ती थी वो सबसे ज्यादा खुश होता था कि आज माँ मेरे ऊपर नाराज थी। सोचो कैसी नाराज हुआ करती थी। और देखते देखते बेसी नहीं, ज्यादा नहीं, दो चमत्कार आप लोगों की आंखों के सामने रखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, याद कीजिएगा माँ के उस दृश्य को। वो गीता है वो गायत्री, वो गीता है वो गायत्री, वो वेदों की भी वाणी है। ज्ञान में सबसे आगे है, उस देश में रहने वाला एक जोड़ा जिसकी गोद सुनी थी, याद कर लो कहानी, उसकी गोद सुनी, दर दर भटकते भटकते कोई ठिकाना न मिला, कहीं आश्रय न मिला। किसी भगत ने, बाबा के भगत ने कह दिया, जब इतना भटक लिए तो एक बार झुंझुनू जाके चले आओ, बाबा जी के प्रांगण में जाके धोख लगाओ, वहां ममतामयी माँ बैठी हुई है, एक बार घूम आओ। बेचारे चले, दिल तो नहीं करता था फिर भी चले आए, इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा के आए, प्रांगण में कदम रखा, भक्ति जाग गई, बैठी थी माँ, माँ ने कहा जाओ प्रभु को आशीर्वाद लेकर मेरे पास आओ। वो परिवार आया और उसके साथ क्या हुआ देखते देखते। उस बेटी को दो फूल दे दिए और कहा दिल से बाबा गंगाराम को याद करते रहना। बाबा जी सब जानते हैं ना, तो उस बेटी ने अपनी व्यथा बताई, कुछ नहीं कहा कि मुझे क्या तकलीफ है, बस माँ के पास बैठी,
माने दो फूल उठाकर दे दिए और कहा बस बाबा गंगाराम को याद रखना, बाबा जी तेरी हर मुराद पूरी करेंगे। और आशीर्वाद लेकर वो बेटा और बेटी फिर अपने देश चली गई। अपने देश चली गई, तत्पश्चात क्या हुआ आगे कहानी बताएंगे। रोज की तरह माँ बैठी है और कभी कहता है जो तेरे चरणों में आता नवा कर शीश झुक जाता, नवा कर शीश झुक जाता, वो क्यों आया समझ जाती, वो क्यों आया समझ जाती, सभी बात मानी है वो उड़ीसा के एक शहर में रहती है, नाम और स्थान नहीं बताऊंगा, आप जानते हो। उड़ीसा की एक शहर में रहती है, उस बहन को एक स्त्री रोग हो गया। अधिकतर माँ बहनों को यह हो जाता है, एक उम्र में हो जाती है। तकलीफ हो गई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, पर बाधा एक ही है, ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं, आप वापस लौट के आओगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। मैं गारंटी नहीं दे सकता आपका रोग ठीक होगा या नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकती। वो बेचारी चिंतित, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं किसको जाकर बताऊं। कोई कितना भी दूर बैठा हो मां से, वो बेटी उड़ीसा में बैठी मां झुंझुनू में 2000 किलोमीटर के अंतर, अचानक मां ने फोन उठाया, अचानक मां ने फोन उठाया, उसका नंबर दबाया, उसका नंबर बजा, नंबर बजते ही वो बेटी चौंक गई। मां ने फोन किया, मां ने फोन किया, क्या बात है। उसने फोन उठाया, कहा जय बाबा जी की मां, जयबक शिरोमणि की मां, आपने फोन किया, क्या बात है। मां ने बस इतना ही कहा, बेटा चिंता ना कर, इतनी चिंता करेगी तकलीफ पाएगी, तकलीफ पाने का काम क्या है, तूने बाबा जी की इतनी सेवा करी है, तुझे और कोई तकलीफ नहीं लेनी, चिंता नहीं लेनी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने को ना, तू ऑपरेशन करवा ले, सब बाबा जी पे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। बस इतना सुनना था उस बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं कि माँ को मेरी चिंता वहां से बैठी है, और अगर माँ ने कह दिया कि कुछ चिंता की बात नहीं तो मैं अब चिंता नहीं कर सकती। सब के मन की सुन ले।
तीनों स्वरूप को, ममता के तीनों रूप को, वो अपने बच्चों के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करती है, ज्ञान देती है सरस्वती का रूप धारण करती है, और ममता का तीसरा रूप भक्तों ने अपने हाथों से देखा। और अगर रौद्र रूप धर लिया किसी ने, बाबा जी के भक्त को सताने का प्रयास भी किया, किसी दुष्ट ने सताने का प्रयास किया, तो वही दुर्गा का रूप धारण भी कर लेती है। वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही माँ गायत्री है। जिनको तो फूल मिले थे, क्या मिले थे कहना नहीं पड़ा था, दो फूल मिले थे। आज देखो वो दोनों फूल को लेकर आए हैं, जरा उनके दोनों फूल को देख लो, वो कैसे फूल मिले थे उनको। वो दोनों फूल बड़े हो गए हैं, वो नन्हे फूल आज अपने माता पिता की गोद में है, जगत जननी की गोद में है, माँ से आशीर्वाद लिया। जो विज्ञान के सबसे बड़े देश में रहते थे, उनका कल्याण झुंझुनू में हुआ। यकीन ना हो भक्तों तो समझ लो आपके नवाबगंज में एक बहुत बड़ा ठग आया है, जिसका नाम विनोद सिंह है। इससे बड़ा ठग इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, और ठगने के लिए अपनी बहन तोशी को साथ में लेके चलता है। हमारे यहाँ एक बार ठगे जाओ, बस एक बार ठगे जाओ, हमारे कहने पर बस एक बार झुंझुनू धाम चले जाओ, उस प्रांगण में अपने चरण को धरो, अपने माथे को टिकाओ, उस प्रांगण की मिट्टी अपने माथे पे लगाओ, अगर आपके भाग्य न संवर जाए तो इस ठग को बुला लेना, जो सजा देनी हो मैं सजा लेने के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ कि मेरी माँ गायत्री को पहचानने में भी भक्तों ने बहुत देर कर दी। आप लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार और उत्तर प्रदेश में पूजा पाठ का एक ही चलन है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वैष्णव पंथ में माँ दुर्गा के नौ रूप माने जाते हैं। कितने?
नौ रूप, पर हमारे बिहार और यूपी में सात रूप माने जाते हैं। कितने? सिर्फ सात रूप, जिसमें बड़ी बहन माना जाता है मां शीतला को। बड़ी बहन मां शीतला, उसके बाद आती है मां काली, उसके बाद आती है मां लक्ष्मी, उसके बाद मां आती है मां सरस्वती, उसके बाद आता है मां दुर्गा का नाम। कहां से शुरू हुआ? शीतला, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, मां दुर्गा। छठी का नाम है सावित्री और सातवीं का नाम, जरा जोर से बोलो बहरा हूं मैं, सातवीं का नाम पहचानने में भक्तों ने बहुत देर कर दी। नाम को अगर ध्यान से याद किया होता तो पता चल जाता कि ये कौन है और बाबा जी ने पुत्रवधू में इनको ही क्यों चुना। फिर कभी मौका मिलेगा तो एक कहानी और बताऊंगा कि माँ गायत्री बाबा जी की पुत्रवधू कैसे और क्यों बनी, वो कथा कुछ और है। आज अपने अपने सभी स्थान पे खड़े हो जाएं। हेलो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। जय श्री गंगारा हो बाबा, जय श्री गंगारा हो देवा, जय श्री गंगारा। नारायण अवतारी, नारायण अवतारी, सत्यचित आनंददा बाबा, जय श्री गंगारा। सत्य स्वरूप सनातन नित लीलाधारी, ओ बाबा नित लीलाधारी, ओ देवा नित लीलाधारी। कलिमल तिमिर निवारक, कलिमल तिमिर निवारक, जग पालन हारी बाबा, जय श्री गंगारा। तुम वैकुंठ बिहार अगणित गुण राशि हो बाबा, अगणित गुण राशि हो देवा, अगणित गुण राशि। झुंझनु दाम निवासी, झुंझनु दाम निवासी, घट घट के वासी बाबा, जय श्री गंगारा। वर्ण पीतामर वन माला दारी हो बाबा, वन माला दारी हो देवा, वन माला दारी। कोटि सूर्य सम शोभा, कोटि चंद्र सम शोभा, दर्शन शुभकारी बाबा, जय श्री गंगारा। देवकी नंदन को प्रभु स्वप्न में दर्स दियो बाबा, स्वप्न में दर्स दियो देवा, स्वप्न में दर्स दियो। पावन धाम बनाकर, पावन धाम बनाकर, जग कल्याण कियो बाबा, जय श्री गंगारा। देव मंदिर में राजत है ज्योति हो बाबा, राजत है ज्योति हो देवा, राजत है ज्योति। भक्तों की मन वांछा, भक्तों की मन इच्छा, जय पूर्ण होती बाबा, जय श्री अति दीन अकिंचन दया दृष्टि कीजे हो बाबा, दया दृष्टि कीजे हो देवा, दया दृष्टि कीजे। कृपा करो करुणामय, दया करो करुणामय, चरण
आरती जो गावे, हो देवा आरती जो गावे, भूति मुक्ति जन संपत, भूति मुक्ति जन संपत, अतिशय सुख पावे, बाबा जय श्री गंगारा, जय श्री गंगारा। सकरेट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेहुचरणम सहार वक्ष अस्पाल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि त्वम् ससंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेचरम सघार वाच अस्थल कौस्तुभश्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। बोल बाबा गंगाराम की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी सुत गजानंद महाराज की जय। स्वामी कार्तिकेय महाराज की जय। विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बाबा गंगाराम की जय। सत्यदेव सत्य नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यदेव सत्य नारायण भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बाबा गंगाराम की जय। बोलो भक्त शिरोमण देव की नंदन की जय। त्यागमयी माता गायत्री माता की जय। बोल सब ऋषियों की जय। आज के आनंद की जय। हो मैं तो भक्त शिरोमण देव की नंदन की चिता से उठा हुआ हाथ भक्तों के लिए आशीर्वाद रहा दुष्टों के लिए तलवार है। बोलो भक्त शिरोमण देव की नंदन की जय। गायत्री माता की जय। सप्त ऋषियों की बाबा गंगाराम की जय। विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय। पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। जगा जननी जगदम्बे दुर्गा मैया की। बोलो बाबा गंगाराम की जय। मैं तो पसर पसर था दो बाबा तारे चरणा में चतो पसर पसर खावा दो को बाबा तारे चरणा में हो बाबा चरणा में मैं तो पसर पसर